जय माँ काली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं और आपको कर्ज से मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो एक छोटा सा उपाय कीजिए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु अर्थात नारायण की ऐसी कृपा होगी कि आप खुद देखेंगे चमत्कार इस तरह से होगा कि आपका कर्जा किसी भी तरह से, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उतर जाएगा, बशर्ते इस प्रयोग को पूर्ण समर्पण के साथ कीजिएगा। जी हाँ, यह छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग को कर देने से बहुत ही कृपा हो जाती है माँ लक्ष्मी की और भगवान नारायण की, और उनकी कृपा हो गई तो धन तो ऐसे ही बरसने लगता है, क्योंकि यह आजमाया हुआ बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। तो अगर आपका कितना भी पुराना कर्जा क्यों ना हो और पुराने से पुराना बड़ा से बड़ा ही क्यों ना हो, आप इस प्रयोग को समर्पण के साथ करके पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक गुलाब के फूल लेने हैं, थोड़े से चावल और गुड़ लेना है। यह विधि आपको गुरुवार को करनी है, और इस सबको पीले रंग का कोई भी रुमाल या कपड़ा ले लीजिए, उसमें बांध दीजिए, और इन सभी चीजों को भगवान नारायण की किसी भी मंदिर में, अगर मंदिर ना मिले तो अपने घर में ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के फोटो को अर्पण कीजिए, संकल्प के साथ कि आपका जो भी कर्ज है या फिर ऋण है, उनसे मुक्ति के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके ऊपर कृपा करे। और उसके बाद उस पूर्ण सामग्री को, पूरी तरह से जितने भी सामग्री आपने भगवान को अर्पित किया है, उन सब को अगले दिन सुबह सुबह किसी नदी तालाब में या जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप देखेंगे इन शक्तियों के प्रयोग से आपके साथ किस तरह से बदलाव शुरू हो गया, आपका कर्ज मुक्ति का राह मिल जाएगा, योग बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जय मां काली मित्रों।